खबरी लइयो खबरिया दीवानो नगर अयोध्या तुमरो राम सैया बनो दीवानो नगर अयोध्या तुमरो राम सैया बनो दीवानो नगर अयोध्या तुमरो राम सैया बनो दीवानो नगर अयोध्या सभी गाएंगे बड़े भाव से तालियों के देवा करते हैं धन्य हो गई मातु कसला लईक तुमको कैया लईक तुमको कैया जय हो सिया के सवरिया अयोध्या विराजे राजा राम जे हो जय हो सिया के सवरिया अयोध्या विराजे राम जी हमोरी लइयो खबरिया अयोध्या विराजे राज राम जी अयोध्या विराजे राज राम जी अयोध्या विराजे राज राम जी प्रेम सुवली श्री सीताराम जी महाराज की हनुमान जी महाराज की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे नमः पारम हंसाय स्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री सीता रामाभ्याम नमः परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु भगवान की अहित की कृपा से हम लोग अकारण करुणा वरणालय भक्त वत्सल कृपा सिंधु भगवान श्री बांके बिहारी जी का ही वांगमय स्वरूप कल आप लोगों ने कथा में सुना ये भागवत जी की कथा कलयुग में भगवान श्री बांके बिहारी जी का दर्शन है। अगर किसी को भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का दर्शन कलिकाल में करना हो जब विदुर जी ने पूछा ना उद्धव जी से कि महाराज कन्हैया चले गए हैं धरा धाम को छोड़ करके अब हमें उनके दर्शन कैसे होंगे तो उद्धव जी ने कहा कि तुम हरिद्वार चले जाओ द्वारी दुनत्याम ऋषि भाकुरुणाम मैत्रेय आसीन मगाध बोधम चित्तो प्रसिद्धत्वा चित्वा वसुधा प्रपक्ष सौशील्य गुणाभिद्रप्ता ये भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत जी की कथा। इसमें ये जो 12 स्कंद है ये भगवान के शरीर के 12 भाग हैं और जो दशमा स्कंद है ना ये भगवान का हृदय है और इस दसवें स्कंद में भी जो रास के पंच अध्याय हैं रास पंचाध्यायी है अध्याय नंबर 29 से 33 ये भगवान का हृदय स्वरूप है पंच प्राण है
भगवान इसी रास में बसते हैं, इसी भागवत जी में भगवान का आवास है, भगवान यहीं रहते हैं। कल की कथा से आपको जोड़ू, क्योंकि आज समय बहुत कम है और विषय बहुत लंबा हम लोगों को तय करना है। हम लोग कल महाराज जी के मुखारविंद से भागवत महापुराण के छठवें स्कंद के अंतिम अध्याय की कथा को श्रवण कर रहे थे, महाराज पांचवें स्कंद की कथा को श्रवण कर रहे थे, छठवां स्कंद प्रारंभ करने जा रहे थे। पांचवें स्कंद के अंतिम अध्याय में हम लोगों ने 28 नरकों का वर्णन कल श्रवण किया। तामिस अंध्र तामिस रौरो महारौरो कुंभी पाक काल सुख सुकर मुख कर्मी भोजन दन सूद अवध निरोधन पर्यावर्तन आदि 28 नरकों का वर्णन कल पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया। और नरकों की कथा को सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज कांपने लगे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमें कथा मत सुनाओ, कथा बंद कर दो। ये भागवत जी का प्रमाण है, भागवत जी पांचवें स्कंद के बाद रोक दी गई, कह दिया गया कि हमको कथा मत सुनाओ। बोले क्यों मत सुनाए? बोले आपने 28 नरक बताए हैं और हर पाप का एक एक नरक बना हुआ है और हमसे भी एक पाप हो गया है। बोले आपसे कौन सा पाप हो गया? बोले हमसे ये पाप हो गया है कि हमने एक संत का अपमान कर दिया, एक साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और ये बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? बोले जो अपराध भगत कर कर ही राम रोस पावक सोई जर। जो भक्तों का अपमान कर देता है, ये साधुओं को आप क्या समझते हो? ये संत क्या है? ये संत राम के पूत। संतों को कहा गया कि राम जी के बेटा है पूत, और जो ना होते संत जगत में तो रहते राम निपूत। अगर संत इस जगत में ना होते तो राजा संतकों के बिना राम जी निपूते रह जाते। ये संत राम के पूत है। बड़ी सुंदर सी चर्चा आती है भागवत महापुराण के छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय में। बड़ी सुंदर वर्णन करते हैं श्री सुखदेव भगवान कि परीक्षित जी परेशान मत हो, 28 नरकों की कथा तो तुम्हें हमने सुनाई है और नरक में जाना भी पड़ता ही है, लेकिन अगर कोई साधन कर ले तो नरक से बच जाता है। अब ये दृष्टांत आप लोगों को सुनना चाहिए। पाप सबसे होता है लेकिन पाप से बचा भी जा सकता है। हो गई कोई गलती तो उसका प्रायश्चित क्या होगा? ये कथा, ये दृष्टांत दिया गया भागवत महापुराण के छठवें स्कंद में। कान्यक वजे दुजा कश्चिद दासी पतिरो अजा मिलह नामनानस्तु सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर में एक कान्यकुच ब्राह्मण परिवार रहता है और उस ब्राह्मण का नाम है अजामिल। अजा माने माया और मिल माने लिप्त हुआ जीव। माया में लिप्त हुआ जो जीव है ना, यही अजामिल है। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हो ये सब लोग अजामिल हो। अजा माने क्या? व्याकरण के विद्वान लोग बैठे, अजा के कई अर्थ होते हैं। अजा माने माया, अजा माने बकरी और अजा माने अप्रसूत का अप्रसूता गऊ, अजास्याद अप्रसूता गऊ। जो अप्रसूति गाय होती है उसको भी अजा कहा जाता है। अजा माने बकरी भी होता है और अजा माने माया भी होती है। तो ये माया में लिप्त हुआ जीव ही अजामिल है और हम सब अजामिल हैं और भगवान की माया हम लोगों को घुमा रही है। सारे जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। हरि
जग को रही न जा हरी माया जादूवरणी सारे जग को रही न जा हरी माया जादूवरणी हरी माया जादूवरणी हरी माया जादूवरणी हरी माया जादू सारे जग को रही न जाए हरी माया जादूगरनी सारे जग को रही न जाए हरी माया जादूगरनी पावे अरे जग को नाच न जावे कोई आको पार न पावे सारे जग को नाच न जावे अति अद्भुत अति अद्भुत खेल दिखाए हरी माया जादू कर अति अद्भुत खेल दिखाए हरी माया जादू कन्नौज नगर में एक गांव है उस गांव में अजामिल नाम के एक पंडित जी रहते हैं कानकुब्ज ब्राह्मण है वो वहीं रहते हैं अब जाति से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म ब्राह्मणों का नहीं है उन्होंने एक दिन अर्ध नग्न वैश्या को नृत्य करते देख लिया और मन हाथ से चला गया मन की बड़ी विडंबना है महाराज ये मन को बांध करके रखना पड़ता है जरा भी ये मन किसी भी ओर भागा मन के घोड़े कहीं भी ओर भागे तो आपको पता नहीं कहां ले जा सकते अब अजामिल इतना वेद पाठी अच्छा आचार्य था इतना महाराज धर्म कर्म करने वाला था और इसने एक बार अर्ध नग्न वैश्या को नृत्य करते देख लिया तो मन हाथ से भाग गया अब ये वैश्यागामी हो गया वैश्या को घर में ले आया और वैश्या के साथ रहने लगा बुद्धि भ्रष्ट हो गई सारे ब्राह्मणों के चित्त कर्म नष्ट हो गए देखो प्यारे हमारे यहां किसी के चरण की पूजा नहीं होती है इससे उसकी पूजा नहीं होगी कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि क्या है उसके आचरण की पूजा होती है चरण की पूजा हमारे यहाँ नहीं है हमारे यहाँ आचरण की पूजा है अब अजामिल महाराज वैश्या को रखने लगा वैश्यागामी हो गया एक दिन क्या हुआ कि भगवान की ऐसी कृपा कि उस गांव में चार साधु आ गए चतुर्मासा उनको व्यतीत करना था साधु आ गए तो साधुओं ने गांव बाहर ही पूछ दिया हे भैया इस गांव में कोई भले पंडित जी का घर है कोई भले पंडित जी रहते हैं और एक बात बताएं हमारे यहाँ उधर ब्रज क्षेत्र में अब आपके यहाँ है कि नहीं है ये तो हमको नहीं पता यहाँ तो खैर नहीं होंगे यहाँ तो बहुत ही अच्छे लोग हैं
गांवों में ये अक्सर हमने देखा है कि चार पांच लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, वे गांव बाहर ही मिलते हैं। आप कभी भी किसी तरफ से आओ तो वे गांव बाहर पुलिया पे या जहां से गांव शुरू होता वहीं मिलते हैं, और कभी भी रास्ता उनसे पूछ दो तो वे बेचारे गलत ही रास्ता पे भेज देते। तुम केहू को घर पूछोगे तो काहू को घर बताए देंगे। हमारे यहाँ ब्रज में तुझे होते ही रहते। अब वो पंडित चार साधु गए, उन्होंने पूछा भैया कोई भले पंडित जी को घर है जहाँ? उन्होंने कह दिया हमारे गांव में अजामिल पंडित जी से भला तो कोई नहीं है। अब बताओ महाराज, महाकुकर्मी आदमी, उसके घर में भेज दिया। अब चारों साधु पहुंच गए, उन्होंने जाकर के ऐसे कुंडी खटखटाई, पंडित जी। सो पंडित जी तो हते ही ना है, सो वे निकल आई भीतर से। सुबह महाराज का भी कुछ भी कहो सुबह निकल आई, वैसे ही वो थी वही निकल आई। और उसने जैसे ही साधुओं को देखा तो दर्शन मात्र से उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। ये साधुओं के दर्शन का फल होता है, साधुओं के दर्शन मात्र से ही बुद्धि पवित्र हो गई। ये संत दर्श का महत्व होता है ना, संत दर्श के बड़े महत्व, संत दर्श के बड़े महत्तम, संत दर्श के बड़े महत्तम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। बड़े महत्व होते संत के, संतों का दर्शन मात्र मिल जाए तो जीवन में बुद्धि पवित्र हो जाती है, जीवन का मार्ग सुमार्ग हो जाता है। तो अजामिल ने जैसे ही अजामिल के घर में आज साधुओं का दर्शन हुआ, उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, उसने साधुओं की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। 4 महीने साधु रहे और वो संतों की सेवा में लगा रहा। देखो तो साधु जन मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कभी भी मिल जाए उनकी सेवा अवश्य करो। क्यों? बोले साधु भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। अब आप लोग क्या कहते हो, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? आप लोग यही कहते रहते हो कि साधुओं की गुरुओं की कृपा से भगवान मिलते, यही तो कहते हो आप लोग। लेकिन हमने इसका उल्टा सुना है, इसका उल्टा ही पढ़ा हमने। आपने ये पढ़ा है कि साधुओं की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से भगवान मिलते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं। और हमने कहाँ पढ़ा? आपने भी पढ़ा हो, याद करा रहे हैं हमने, ये हमने वहां पढ़ा है। कहाँ? अब मोहि भा भरोसे हनुमन अब मोहि भा भरोसे हनुमनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुबीर अनु हरी कृपा मिले नहीं संता। ये हमने पढ़ा है सुंदरकांड में, आपने भी पढ़ा होगा। ये भगवान की कृपा से ही संत जन मिलते हैं, साधु जन मिलते हैं। और साधुओं की सेवा अजामिल करने लगा। इतना कुकर्मी था महाराज, मांस मच्छी खाता था महाराज, वैश्यागामी था, मन में इतने विकार थे।
तो आज साधुओं की सेवा करता है और केवल एक काम करता है। जब साधु भोजन करते हैं ना, तो उनके भोजन में जो भी प्रसाद बच जाता है, उनकी थाली से जो भी प्रसाद बच जाता है, या उनके मुंह से जो भी प्रसाद भूमि पर गिर जाता है, तो उस भोजन को उठा करके भोजन पर ही अजीर महान, जो भूमि पर पड़ रहा है ना भोजन, भूमि पर ही अजीर महान, सो उठा ही कर खा ही। जो भूमि पर प्रसाद गिर पड़ता है संतों का, वो उठा करके अजामिल खा लेता है। बुद्धि पवित्र हो गई। संत जब जाने लगे तो अजामिल ने पैर पकड़ लिए, महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमारी मुक्ति का तो कोई साधन बताओ। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगति कर अच्छे लोगों की, संगति कर अच्छे लोगों की, तब मिल जाएगी सारे लोगों की, तब मिल जाएगी सारे लोगों की, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का क्या साधन होगा महाराज, हमें भी तो कुछ बता जाओ ऐसा साधन कि हमें हमारी मुक्ति मिल जाए। अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो आकर चारी लाख चौरासी योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, 484,000 योनियों में निरंतर घूमता रहता है ये जीव, फिर कबहू की कर करना नर देही, देत इस बिनु हेतु सनेही। कभी कभी कृपा करते हैं भगवान, कभी कभी उनकी करुणा होती है, तब उनकी करुणा कृपा प्रसाद से ये मनुष्य देह मिलता है, और ये मनुष्य देह मुक्ति का साधन है। इसको आप साधारण देह मत समझिए, शरीर सबको मिला है, शरीर कुत्ते को भी मिला है, शरीर गाय को भी मिला है, शरीर बकरी को भी मिला है, सबको शरीर मिला है, लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये मुक्ति का साधन है, ये साधनों का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाई नहीं परलोक सुधारा। इसको पाकर के भी अगर कोई अपना परलोक नहीं सुधार पा रहा है, इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी कोई अगर अपनी मुक्ति को नहीं पा पा रहा है, तब तो ऐसे महाराज ऐसे अधम खल कलयुग त्रेता बहुत होंगे महाराज। लेकिन ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के अगर मुक्ति ना मिली तब तो वो जीवन ही बेकार हो जाएगा। ये मुक्ति का शरीर है, मुक्ति का साधन है। तो आज जब संत जाने लगे तो अजामिल ने पूछा महाराज हमारी मुक्ति का क्या होगा, तो संतों ने कहा एक काम करना। क्या? बालो नारायणो नामना नाम मात्रा प्रसीदति। तुम्हारे घर में जो बालक हो ना उसका नाम तुम नारायण रख देना। देखो भाई ये बहुत अच्छी बात है, घर में बेटा बेटी का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। हमारे यहाँ कितना अच्छा नियम था, राम श्याम राधे गोविंद गोपाल किशन, ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखे जाते थे। राधा गीता गायत्री सीता रामा, कितने बढ़िया नाम होते थे। और आजकल तो नाम की ही कोई गिनती नहीं है, ऐसे नाम रखे जाते। एक बार तो महाराज जी एक घर में गए, महाराज जी ने उस लड़के को बुलाया बच्चे को, ए भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा बंटू। तो महाराज जी कहने लगे कि दूसरे भैया का 3-4 होगा, लाइन से धरे गए होंगे इनके। अब बताओ ये बंटू 3-4 कोई नाम है? नाम का अर्थ होता है यथा नामस तथा गुणा, जैसा नाम हो वैसे ही गुण होना चाहिए। अब हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि भगवान के नाम पर ही बेटा बेटी का नाम रखना चाहिए। वैसे तो आप लेते ही नहीं हो, लेकिन कम से कम जब भगवान के नाम पर नाम होगा तो कम से कम इसी बहाने ही भगवान का नाम निकलेगा। कितना बढ़िया नाम है किशन गौरव, ऐसे ही नाम रखना चाहिए, भगवान के नाम पर नाम रहे, है ना। आज इसके घर में जब बेटा हुआ तो इसने अपने बेटे का नाम रख दिया गया नारायण। अब तो अजामिल सोते जगते उठते बैठते लल्ला नारायण, बहुआ नारायण, भैया नारायण, नारायण नारायण, ए बाबू नारायण, दिन भर दिन रात नारायण नारायण कहा करे। और जिस समय अजामिल की अवस्था 88 वर्ष हुई तो 4 यमदूत लेने के लिए आ गए। 4 यमदूत लेने के लिए आते हैं जब व्यक्ति मरता है, 4 बड़े भारी से होते हैं, काले काले से, बड़े बहुत गड़बड़ होते हैं, हम पे काहे पूछ रहे, खुद ही देख लेना। 4 यमदूत आते आ गए लेने के लिए। अब अजामिल ने जैसे ही यमदूतों को देखा यजमान अजामिल डरने लगा और अजामिल चिल्लाने लगा, ओ नारायण 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 ओ नारायण। ये काले काले दूध मुझे बेटा तड़पाए जाते हैं, ये काले काले दूध मुझे बेटा, ओ नारायण ले बचा हमें ये हमको पकड़े जाते हैं, ओ नारायण ले बचा हमें ये हमको पकड़े जाते। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पकड़े जा रहे। अब अजामिल ने आवाज तो अपने नारायण को लगाई लेकिन सुनाई बैकुंठ नारायण को पड़ी। भगवान ने अपने दोनों पार्षदों को बुलाया नंद उपनंद को, ए भाई यहाँ आओ, देखो कौन हमारा नाम बुला रहा है, कौन हमें बुला रहा है, कौन हमारा भक्त है। तो जैसे ही ये कहा तो नंद उपनंद गए और धर्मराज के दूतों से कहा तुम कौन हो? वो कहने लगे हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज के दूत? अच्छा, धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म की क्या परिभाषा है? तो धर्मराज के दूत कहने लगे वेद प्रणहितो धर्मः, वेद में जो वर्णित कर्म है वही धर्म है। अच्छा तो अधर्म क्या है? बोले अधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद के विपरीत आचरण है वही अधर्म है।
तो वेद क्या है? बोले वेदों नारायणो साक्षात्। वेद तो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण है। अच्छा, तो ये नाम किसका ले रहा है? बोले नारायण का। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ले जाने की? जैसे ये कहा तो वो चले गए, दूर भाग गए महाराज, और अजामिल के प्राण बच गए। इससे एक सीख ले लो कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार, किसी भी भांति, सुख से दुख से, मजबूरी में चलते फिरते कभी भी निकले तो भगवान का नाम निकलना चाहिए। भगवान का नाम अपने मुख से निकलता रहे, ये भगवान की कृपा बरसती रहती है। ये अजामिल की कथा है। इसके बाद में सृष्टि क्रम का भार दक्ष प्रजाप्रचेतस दक्ष को सौंपा गया, और प्रचेतस दक्ष ने आज 10,000 हर्यश नाम के बेटा उत्पन्न किए। और जब वो तपस्या करने के लिए गए तो श्री नारद जी ने समझा दिया, रे मुंचाति कुटुंबासम संन्यासे सर्वदा सुखम। अरे घर गृहस्थी में नहीं पढ़ना, बाबा हो जा। 10,000 लड़का बाबा हो गए। फिर उसके बाद 50,000 हर्यश नाम के बेटा उत्पन्न किए, 10,000 शवलास, 50,000 हर्यश। वो तपस्या करने के लिए गए तो नारद जी ने उनको भी समझा दिया। नारद जी ने कह दिया, ए घर गृहस्थी में नहीं पढ़ना। तो बोले तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्ना न एको ऋषि स्मृत प्रमाणम धर्म शतत्वम निहतम गुहाया महाजना एन गथा सपन्था। जिस मार्ग पर पूर्वज गए हैं उसी मार्ग पर चलो। पूर्वजों का दिखाया हुआ मार्ग ही बहुत अच्छा है। तो महाराज वो 50,000 लड़के भी बाबा हो गए, अब 60,000 लड़का बाबा हो गए। महाराज भरत जी पर आज दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। प्रजेतस दक्ष ने कहा, तुम हमारे भाई हो तो तुमने मेरे 60,000 लड़का बाबा करवा दिए, अब बताओ मैं सृष्टि कैसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा पैर आज के बाद 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकेगा ही नहीं। नारद जी कहने लगे, ये तो और ही बढ़िया हुआ, हमने तो जितना जो कुछ कहना हम उतनी देर में ही कह लेंगे। नारायण नारायण, अब हमारा 60,000 लड़का बाबा हो गए प्रचेतस दक्ष के। तब फिर क्या किया? प्रचेतस दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की, और इन 60 कन्याओं में 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में कर दिया। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगसरा, अर्द्रा, पुक, पुनर्वस, मंगा, अश्लेखा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, सत्वेता, रेवती, ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। इसके बाद में 13 कश्यप जी के साथ में अदिति, दीदी, दनु, काष्टा, कद्रु, सुरसा, बनिता आदि 13, 10 धर्म के साथ में और 10 अन्य ऋषियों के साथ में। इस प्रकार से उन्होंने अपनी 60 कन्याओं का विवाह कर दिया, और इन कश्यप महात्मा की 13 पत्नियों में अदिति के देवता हैं और दिति के दैत्य हैं। देवताओं का राजा है इंद्र और दैत्यों का राजा है बलि। अब महाराज एक बात इसमें आ गई कि एक दिन क्या हुआ कि देवताओं का दरबार लगा हुआ था। बृहस्पति गुरुदेव है इनके देवताओं के, और शुक्राचार्य जी गुरु जी है दानवों के। तो दरबार लगा हुआ था, गुरुदेव बृहस्पति आए और इंद्र ने उठकर के प्रणाम नहीं किया। तो गुरु जी नाराज हो गए, गुरु जी नाराज। ये बात देवताओं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चल गई। शुक्राचार्य जी ने अपने चेलों को बुलाया, बोले चढ़ाई करो। दैत्य गुरु नारायण, चढ़ाई करो। इंद्र खबर आ गया, इंद्र ने कहा आप क्या करें। ब्रह्मा जी के पास में गया, ब्रह्मदेव अब मैं क्या करूं, गुरु जी नाराज है, दैत्य तो चढ़ाई कर रहे, क्या करें। तो आज ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। ये भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय चल रहा है, नारायण कवच।
ये भागवत महापुराण का सिद्ध प्रयोग दिया गया। कर्मकांड के जो आचार्य गण बैठे हुए हैं उनको जानकारी है। अगर किसी का शत्रु प्रबल हो, किसी का शत्रु मारने से ना मरे, हराने से ना हारे, तो उसके विरोध में नारायण कवच का अनुष्ठान करवा दे। शत्रु हार जाएगा, शत्रु कमजोर पड़ जाएगा, गारंटी है। ये नारायण कवच सिद्ध प्रयोग है भागवत का। तो आज देवताओं ने नारायण कवच कराया। बोले करेगा कौन, गुरुजी तो नाराज है। तो आचार्य पद पर अपने भांजे विश्वजीत को वरण करके ले आया। और विश्वजीत ने यज्ञ तो कराया, लेकिन एक काम गड़बड़ कर दिया। अब भांजा तो देवताओं का भी था और दानवों का भी था, तो उसने आहुति डालने में विभक्ति का प्रयोग कर दिया, गलत। संस्कृत व्याकरण में आदि उदांत में और अंत उदांत में षष्ठी तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास का अंतर होता है। अब इंद्रस्य शत्रु और इंद्र शत्रोर जस्य सह शब्द दोनों हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं। इंद्रस्य शत्रु इंद्र का शत्रु, और इंद्र शत्रोर जस्य सह अर्थात इंद्र जिसका शत्रु हो। तो आहुतियां सारी दानवों के पाले में चली गई। आज इंद्र को क्रोध आ गया, महाराज वज्र से सर काट दिया और सर को उसी यज्ञ में होम दिया। ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप लग गया इंद्र को। अब तो महाराज ब्राह्मण नाराज हो गए। ब्राह्मणों ने इंद्र के खिलाफ अनुष्ठान किया, वृत्तासुर नाम का राक्षस उत्पन्न किया। और वृत्तासुर इंद्र को खोज रहा है, इंद्र सरोवर में छिपा हुआ है। अब इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप लगा हुआ, इंद्र अगर बाहर आता है तो मारा जाएगा। तो आज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को चार भागों में बांटा। चार भागों ने ब्रह्म हत्या बांटी गई। सुन लीजिए किनको किनको ब्रह्म हत्या मिली। पहला भाग जल को मिला, जो पानी है ना, जो जल है, इसको पहला भाग मिला। दूसरा भाग वृक्षों को मिला। तीसरा भाग पृथ्वी को मिला। और चौथा भाग माताओं को मिला। एक एक वरदान मिला और एक एक श्राप मिला। वृक्षों में जो ये गोंद है ना, आप लोग गोंद देखते हैं, ये गोंद ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। और वरदान ये मिला कि कोई तुमको तिल तिल काट देगा, लेकिन वृक्ष से तुम्हारा संबंध कभी समाप्त नहीं होगा। वृक्ष को कितना भी काट दो वो फिर से हरा हो जाता है। तो वृक्षों ने स्वीकार किया। फिर दूसरा भाग जल को मिला। जल में ये जो फेना है ना, ये ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। वरदान ये मिला कि महाराज तुम कभी अपवित्र नहीं कहे जाओगे। शर्त यह है कि हमेशा बहते रहना। तो बहता हुआ जल कभी अपवित्र नहीं होता, केवल बहता हुआ हो तो कभी उसको अपवित्र नहीं मानना चाहिए। तीसरा भाग पृथ्वी को मिला। पृथ्वी में ये जो ऊसर भूमि है, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, बंजर, ऊसर भूमि जो होती है ना, ये ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। वरदान ये मिला कि अगर कोई तुम में कितना भी गड्ढा कर दे, कितना भी तुमको खोद दे, तुम अपने आप भर जाओगी। तो ऊसर जो बंजर होता है उसमें कितना भी गड्ढा कर दो अपने आप भर जाता है। ये वरदान मिला तो उनने स्वीकार किया। एक भाग माताओं को मिला। माताओं में महीने में जो 3 दिन के लिए अशुद्धता आती है, ये ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। वरदान ये मिला कि अगर तुम इस ब्रह्म हत्या के श्राप को स्वीकार नहीं करोगी तो तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार किया। जब ब्रह्म हत्या चार भागों में बांट दी तो आज इंद्र गया दधीच महात्मा की कुटिया पे। दधीच ऋषि ये नैमिषारण्य तीर्थ के पास में है, मिश्रिक, वहां पर इनकी कुटिया बनी हुई है। और दधीच महात्मा से आज अस्थियों का दान मांगा। दधीच जी ने अपनी प्राणवायु को ब्रह्मांड में रोक लिया और विश्वकर्मा के द्वारा 3.5 शस्त्रों का निर्माण हुआ। सारंग, गांडीव, आधा वज्र और एक विशाल आयुध बना, उसका नाम रखा गया पिनाक। नाक का हिस्सा उसमें ऊपर था। जब पिनाक का निर्माण हुआ तो उस समय आकाशवाणी हुई, महात्मा दधीच ने अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ में 14 साल जंगल में रह करके कठोर तप किया।
जाने अनजाने में अगर किसी के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता है, कोई इस धनुष को जाने अनजाने में तोड़ देता है, तो उसे पत्नी के साथ 14 साल जंगल में रहना पड़ेगा। इसीलिए उसी पिनाक धनुष को श्री राम जी ने तोड़ दिया और राम जी को पत्नी के साथ 14 साल जंगल में रहना पड़ा। इसी कारण से राम जी को 14 साल का ही वनवास हुआ। ये दधीच महात्मा की अस्थियों से बना हुआ धनुष था जिसका नाम था पिनाक। इसके बाद इसी वज्र से वृत्तासुर से इंद्र का युद्ध होता है। वृत्तासुर की कथा सुनाई, आसीद चित्रगुतो, चित्रगुतो चित्रकेतु नाम का राजा था और श्राप के कारण ये राक्षस बन गया। अंत में जब आज वृत्तासुर हार गया, दैत्य हार गए, देवता विजयी हो गए, तो आज अंतिम अध्याय में दैत्य माता दिति को कश्यप महात्मा ने पुंसवन व्रत का उपदेश किया। पुंसवन व्रत, अब व्रत का नियम ये है कि शाम को कुल्ला करके ही सोना है। देखो माई लोग बहुत व्रत रहती हैं यहाँ पर, ये एक बहुत जरूरी बात होती है माई लोग, व्रत जब भी रहना हो उसके एक दिन पहले अगर आप ब्रश करके नहीं सोते हो, ब्रश करके अगर नहीं सोते हो, कुल्ला करके नहीं सोते हो और अन्न का एक दाना भी अगर मुंह में रह जाता है तो वो व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए व्रत करके जरूर सोना चाहिए। मैया ने एक दिन यही गलती कर दी तो इंद्र आ गया, उसने छोटे से शिशु का भेष बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में पल रहे बालक के इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ फड़कने लगा तो उन 7 टुकड़ों के मारे सभी के एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े हो गए। इंद्र को लगा करके 50 संतानें जन्मी और ये 50ों इंद्र के भाई हो गए। हरि प्रेरित तेहि अवसर मरुद चले 49। ये 49 पवन देवता है, ये इंद्र के भाई हो गए। द्वितीय महात्मा के गर्भ से इनका जन्म होता है। भागवत महापुराण के 6 स्कंद यहाँ पर पूरे होते हैं, 7वां स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। 7वें स्कंद को शुरू करने से पूर्व आपको एक सूत्र बोलना पड़ेगा। बोलिए भाई। योगी योगी निर्वाण चाहता है, निर्वाण चाहता है। भोगी भोगी निर्माण चाहता है, निर्माण चाहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझ में नहीं आया, एक बार और बोलिए भाई। योगी योगी आत्मनिर्वाण चाहता है, आत्मनिर्वाण चाहता है। भोगी भोगी भवन निर्माण चाहता है, भवन निर्माण चाहता है। देखो दोनों ही लगे हैं, एक योगी का जीवन है, एक भोगी का जीवन है। आप लोग भी लगे हो किसमें, एक बीघा और हो जाए, एक मकान और हो जाए, एक फ्लैट वहां हो जाए इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ एक मकान और हो जाए, नहीं नहीं एक दुकान और ले ली पट्टी में चौराहे पे बनी रहेगी, इसी में आप लोग लगे हो। और महात्मा ये संत जन काय में लगे, हम लोग अरे एक आश्रम हरिद्वार और हो जाए, एक गौशाला बन जाए, संतों की सेवा चलने लगे, कुछ मारे पूजा पाठ और हो जाए, थोड़ा यज्ञ और हो जाए, एक कथा और हो जाए, हम लोग भी इसी में लगे। आप निर्माण में लगे हो, हम निर्वाण में लगे, लगे दोनों ही है। तो एक योगी का जीवन है, एक भोगी का जीवन है। योगी कौन? प्रहलाद। और भोगी कौन? हिरण्यकश्यप। इनकी कथा सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 1वां अध्याय 1वां श्लोक। समः प्रिया सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थं कथं दैत्यान् नवधी दुष्मो यथा। भगवान समाप्रिया है, सबको बराबर चाहते हैं, उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है। तो क्या भगवान की कृपा सिर्फ देवताओं पर ही हुई, दानवों पे नहीं हुई? दानवों में भगवान का कोई भक्त नहीं हुआ? बोले नहीं, दानवों में तो भक्तों का सिरमौर हुआ, भक्तों का सिरमौर। बोले हाँ, कौन? भक्ति सिरोमणि भे प्रहलादु, भगत शिरोमणि भे
भये प्रहलादो भगति शिरोमणि भये प्रहलादो भगत शिरोमणि भये प्रहलादो भक्तों के सिरमौर भक्तों के शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज दानवों के वंश में हुए तो बोले उनकी कथा को सुनाओ। तो ये प्रसंग कहां से लिया गया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई हैं। हिरण्याक्ष मारा जा चुका है और उसकी मिट्टी रखी हुई है और उसकी मिट्टी पर रो रहे हैं लोग। एक बार तो मिट्टी जैसे रखी होती तो लोग रोते नहीं, रोते ही हैं। एक बार तो एक जगह कोई खत्म हो गया, हमें भी जाना पड़ा, गए थे तो कुछ माई लोग रो रही थी। तो दो चार माई तो बहुत जोर जोर से रो रही थी और कुछ माई हल्के से रो रही थी। तो जे माई जो हल्के से रो रही थी वे बाहर निकली तो हमने उनसे पूछी, काय अम्मा, जे जे जो भीतर बैठी थी जे बहुत जोर जोर से रो रही और तुम लोग हल्के हल्के रो रही, सो काय? सुबह अम्मा कहन लगी, महाराज हम इनके घर के मर गए सो जे जोर से रोए रही और हम लोग मोहल्ला के हैं सो व्यवहार में रोए रहे। अब बताओ ये रोने का भी व्यवहार है? भाई लोग रोने का भी व्यवहार निभा लेते। अब वहां सब रो रहे हैं, अब व्यवहार कैसा है पता नहीं। अब रो रहे हैं तो हिरण्यकश्यपु उनको समझा रहा है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अम्बाम्ब हे बधु पुत्र वीरं मारहति सेचु तुम। हे माँ, हे मेरे भैया की बहू, वीर की मृत्यु पर रोना रोया नहीं जाता, क्यों? अरे कैसा रोना, यह क्यों रोना, यह तो मतलब का रोना है। क्या तुमको होना बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलने ही की तैयारी है और चल देता है वो बिना कहे जिस दिन भी जिसकी बारी है। यहाँ कोई रहने रुकने के लिए नहीं आता। यहाँ तो महाराज जब से दुनिया बनी है ना तब से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। गफलत में फिरता प्यारे ये तो मुसाफिर गाना रे, गफलत में फिरता प्यारे ये तो मुसाफिर गाना रे। जय हो ने लिखा कि इस दुनिया में जाने वाले और आने वाले दोनों के लिए एक चीज कॉमन है। क्या? उन्होंने कहा कि जो आएगा जो जाएगा उसके साथ में और कोई नहीं आ
आ सकता। तो बोले कोई सामान जाएगा? बोले सामान भी नहीं, बिल्कुल अकेले ही जाना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज जय हो। हम सभी के बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान का पदार्पण होने जा रहा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे।